मेरे अति प्रियो, यीशु के नाम से अभिवादन करता हूँ। आज एक खास दिन है, वैलेंटाइन्स डे कहते हैं, प्रेम को प्रकट करने का दिन है। विश्व भर में इस दिन को मनाते हैं। बहुत लोगों को इस दिन के प्रति गलत विचार भी है। इस दिन में बहुत लोग बहुत ढंग से मनाते हैं, इसमें कुछ भलाई भी है, कुछ लोगों को बुराई लगता है, कुछ लोगों का नज़र ठीक नहीं है और दुनिया भर में इस प्रकार के दिन को धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन इस दिन के बारे में आपको एक जानकारी रखनी है। यीशु मसीह के रहने के वक्त रोमियों की शासन चलता था और पौलुस के समय में भी रोमियों की शासन दुनिया भर में चलते थे। वे कठोर रूप से राज्य करते थे। उन राज्य को करने के लिए उनको सैनिकों की दरकार थी। जब सैनिक वहां पर आते थे, जब उनकी शादियां होती है तो शादी और परिवार बाल बच्चे होने के चलते सैनिक लोग इस कार्य को करने के लिए नहीं चाहते थे, नहीं आते थे। तो सरकार ने सैनिकों से कहा, अपने मनमानी दिलचाहट के साथ आप रह सकते हैं। इसलिए वे अपने मनमानी में रहने लगे, पाप बढ़ गया और इधर उधर की बातें बढ़ गई। सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है और सैनिकों की जिंदगी भी बिगड़ गई। एक प्रचारक ने इसे देखकर बहुत दुख लगा है। तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक अनुशासन को सिखाया, पति पत्नी बच्चे इस प्रकार रहना मसीह परिवार का एक सिद्धांत है। तो इस प्रचारक ने सारे जवानों से जाके मिला। उन्होंने कहा, ऐसे सरकार के कदमों ठीक नहीं है, आप गलत कर रहे हैं, वचन के अनुसार ये ठीक नहीं, कह के सबको सलाह दिए हैं और बहुत ही सैनिकों ने उनकी बातें मानने लगे। सारे जवानों में जा जाके मिले, बहुत लोगों को उन्होंने शादी भी गुप्त रूप में किया। जब सरकार के कान में संदेश पहुंचा तो उस सेवक को बंद कर दिया। उन्होंने कहा, तू सरकार के विरोध आंदोलन कर रहा, कह के उसको कैद करके उनको जेल में डाल दिए। जेल में बहुत सतावट मिला, अपने आखिरी समय तक वो जेल में ही रहे, ऐसे इतिहास कहता है। उन्होंने बाइबल के वचन को लोगों को प्रचार किया और ईश्वरीय प्रेम के बारे में लोगों को बता के सबको अनुशासन में लाया है। इसलिए उस व्यक्ति के नाम को याद करने के लिए, सब लोग उसको स्मरण करने के लिए, उनका नाम था वैलेंटाइन्स, जिन्होंने वचन के लिए अपना जीवन को त्याग दिया है। एक अच्छे दिन को ही उनके नाम से इस दिन को वे सब दुनिया के लोग मनाते हैं। आज का दिन में परमेश्वर के लोग ये जानना है, आज का दिन अनुशासन और ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करने का दिन है। उस परमेश्वर का प्रेम और उस अनुशासन को सिखाने के लिए एक सेवक ने सारा कार्य को किया है। उस सेवक का नाम को सारे लोग विश्व सब में स्मरण करने का दिन है। आज के दिन में श्रेष्ठ गीत 6वां अध्याय के 3रा वचन में, मैं अपने प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है, एक दुल्हीन कहती है, वो प्रेमी मेरा है, मैं उसकी हूँ। प्रेमी कौन है? हमारा प्रभु यीशु। चाहे आप पुरुष या स्त्री है, हम सब के लिए हमारा दुल्हा प्रभु यीशु मसीह है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के यहाँ प्रेमी के रूप में दिखाया जाता है। जैसे पति पत्नी प्रेम के बंधन में पाए जाते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हम सब एक प्रेम के बंधन में रहना है। इसी प्रेम के बारे में विवरण करने के लिए एक प्रेमिका के रूप में इस वचन हमें दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह की उस प्रेम के बंधन में हम सब वहां स्थिर रहना चाहिए। आज सच्चे दिल से आप और हम ये कहना चाहिए, वो प्रभु यीशु मेरा प्रेमी है, मैं उसकी प्रेमी हूँ। उस बंधन में हम रहते हैं, प्रभु के बंधन में कोई हमें अलग नहीं कर सकते। उस प्रेम को आज हमें प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। उस प्रेम को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु अपने आप को कुर्बान रूप में दिया है। उस ईश्वरीय प्रेम को आपके दिल में प्रकट करना है। क्या प्रभु यीशु आपके लिए प्रेमी के रूप में है, एक दुल्हा के रूप में है?
आज उस प्रेम को प्रकट करना है, उस प्रेम को प्राप्त करना चाहिए। प्रतिदिन परमेश्वर यीशु मसीह की प्रेम को क्या आपके जीवन में आप महसूस करते हैं? तब आपको कहना, मैं अपने आप को यीशु के लिए अर्पण किया हूँ, यीशु मेरा है, मैं उसका हूँ। ऐसे कहने के लिए आज प्रभु यीशु के लिए क्या अर्पण करेंगे? हे प्रभु, तू हमारा नायक है, हम सब आपके दुल्हीन है। उस प्रेम को मैं प्रभु आज प्रकट करने के लिए अपने आप को उस ईश्वरीय प्रेम के लिए अर्पण करते हैं। यीशु के नाम में आमीन, आमीन।